चलें दोस्तों, आज हम जानेंगे महिंद्रा XUV 400 EV, जो कि महिंद्रा का पहला ईवी व्हीकल होने वाला है, जो अभी 8 सितंबर को महिंद्रा ने रिवील किया। इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस के बारे में और इसका जो कंपटीशन है नेक्सॉन ईवी मैक्स के साथ, उसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो पूरा देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। महिंद्रा ने अपने ट्विन पीक लोगो के साथ अपनी गाड़ियों में काफ़ी अपडेट किया है। सबसे पहले इनकी कार थी XUV700, जो कि काफ़ी अच्छी कार मानी जाती है और इंडिया की मोस्ट सेफेस्ट कार बन चुकी है अभी। इसके बाद स्कॉर्पियो N, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। इसकी 1 मिनट के अंदर 25,000 बुकिंग हो गई थी और 30 मिनट के अंदर 1 लाख बुकिंग हो गई थी। इसके बाद स्कॉर्पियो क्लासिक हाल ही में लॉन्च की गई है और नेक्स्ट महिंद्रा ने अभी 8 सितंबर को अपनी XUV400 EV को रिवील कर दिया है, जो कि काफ़ी कुछ सिमिलर XUV300 से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। बात करें अगर फ्रंट से, तो फ्रंट से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ग्रिल चेंज कर दी गई है, जिसमें क्रॉस एलिमेंट देखने को मिलती है विद न्यू लोगो। साइड से बात करें तो इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है। XUV300 की जो लेंथ थी वो 3995 mm थी, जबकि अब इसको बढ़ा के 4200 mm कर दी गई है, यानी कि अब अच्छा खासा बूट स्पेस मिलने वाला है। साइड से देखें तो इसमें नए अलॉयज इंसर्ट करे गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। रियर में महिंद्रा का न्यू लोगो इंसर्ट कराया गया है और जो टेल लैम्प्स है उसकी डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किए गए हैं, जो XUV300 से उससे थोड़ा सा बड़ी लगती हैं देखने में। बात करें XUV400 के इंटीरियर से, तो ये काफ़ी मैच करता है XUV300 से। इसमें सेम स्टीयरिंग व्हील्स दिया गया है। बात करें अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो सेम XUV300 वाला ही इनमें इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। सेम डैशबोर्ड इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको XUV300 की याद ज़रूर आएगी, काफ़ी कुछ सिमिलर है इसमें, आप देख सकते हैं। XUV400 का सीधे कंपटीशन होने वाला है नेक्सॉन ईवी मैक्स से। तो चलिए जानते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, कौन बेस्ट है। सबसे पहले बात करें तो दोनों के इंजन में, XUV400 में 39.4 kWh का इंजन मिलता है और नेक्सॉन ईवी में 40.8 kWh का इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो XUV400 की पावर ज़्यादा है, 150 HP और नेक्सॉन ईवी की 143 HP। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क में भी XUV400 आगे निकल जाती है, जो कि 310 Nm है और नेक्सॉन ईवी मैक्स की 250 Nm है। रेंज की बात करें तो XUV400 की रेंज भी ज़्यादा है, 456 किलोमीटर, और नेक्सॉन ईवी मैक्स की रेंज है 437 किलोमीटर। बूट स्पेस 20 का ज़्यादा है, 378 लीटर, जबकि नेक्सॉन ईवी मैक्स का 350 लीटर। बात करें अगर 0-100 स्पीड आने में कितना टाइम लगता है, तो XUV400 को 8.3 सेकेंड लगता है और नेक्सॉन ईवी मैक्स को 9 सेकेंड। टॉप स्पीड की बात करें तो नेक्सॉन की टॉप स्पीड भी कम है, 140 किलोमीटर आवर है, जबकि XUV400 की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। लेंथ की बात करें तो लेंथ XUV400 की ज़्यादा है, जो कि 4200 mm है और नेक्सॉन की 3993 mm है। हाइट की बात करें तो हाइट भी XUV400 की ज़्यादा है, 1634 mm और नेक्सॉन ईवी की 1616 mm। विड्थ की बात करें तो XUV400 की विड्थ 1821 mm और नेक्सॉन ईवी मैक्स की है 1811 mm। व्हील बेस की बात करें तो 2600 mm व्हील बेस XUV400 का, नेक्सॉन ईवी मैक्स का 2498 mm का, यानी कि डायमेंशन, पावर, स्पीड हर किसी कैटेगरी में XUV400 आगे निकल जाती है। बात करें अगर इसके एक्सोरूम प्राइस की, तो नेक्सॉन ईवी मैक्स की एक्सोरूम प्राइस है 18.3 से 20.1 लाख, जबकि XUV400 की एक्सपेक्टेड प्राइस रखी गई है 14 लाख to 18 लाख, यानी कि प्राइस रेंज में भी ये हो सकता है इससे कम ही हो, यानी कि हर एक कैटेगरी में ये नेक्सॉन ईवी मैक्स से बेटर है और ये जल्दी महिंद्रा इसको लॉन्च करने वाला है। होप अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लिए सब्सक्राइब नहीं करते, लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ।